हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ जलालाबाद में। आप देख सकते हैं, ये है जलालाबाद। और हालत देखो भाई, रोड की इतनी दुर्गति कर दी ना इस रोड की, तो भाई इन्होंने बनाने वालों ने मतलब हालत ख़राब। देखो यार, कितनी हालत ख़राब है इस रोड की, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब यार, रोड बन रही है तो थोड़ा सा मेंटेन तो रखो कम से कम, वाहन का आना जाना उसका। तो एक साइड को बनाओ और एक साइड को चलने तो इस तरीके से रखो, ये दोनों ही साइड को लेके चल रहे हैं और बुरा ही हाल है। ये देखो कितनी हालत ख़राब है भाई, आगे ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर ट्राली, और तोबा 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 का मुकाम है यहाँ पे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। ननौता में भी इसी तरह था दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, उसको देख लेना। नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो का, तो देख लेना। ननौता में भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये देखो कितने गहरे गहरे गड्ढे, अगर अभी एक बरसात हो जाए ना तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो जलालाबाद में तो इतना बुरा हाल है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, और ननौता में उससे भी बुरा। तो इस पता नहीं ये कब तक बनके तैयार होगी, काम किस तरीके से चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। कभी बरसात का बहाना क्या, चलो बरसात का तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि मिट्टी की दिक्कत होती है, मिट्टी डालने की में किल्लत होती है बहुत ज़्यादा, बरसात में पूरी तरीके से काम रुक ही जाता है एक तरीके से मिट्टी का। तो लेकिन अब तो बरसात गई भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूरा करो, क्योंकि भाई पब्लिक को अब ये हाईवे चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस हाईवे के बन जाने की, जल्दी सभी को है, इसको सब देखना चाहते हैं एक बार जब ये तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको तो इंतज़ार को बढ़ाए जा रहे हैं ये लोग बनाने वाले इस रोड को, तो पता नहीं कब तक ये बन के तैयार होगा। तो दोस्तों, आज का सफ़र जलालाबाद से है थाना भवन के लिए या फिर शामली के लिए, जैसा भी सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट जरूर किया करो, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ दोस्तों, मैं सच बताऊँ तो। और आपके सजेशन का मैं हमेशा आभारी रहूँगा दोस्तों, अगर आप में कोई मतलब आपको कोई कमी महसूस देती है वीडियो में, या फिर कुछ भी मतलब कुछ लगता है कि हाँ भाई ये एडवाइस देनी चाहिए या फिर ये राय देनी चाहिए, जो भी कुछ है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके। और जो लाल वाला बटन दिख रहा है आपको, तो प्लीज़ उसको दबा दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आपको जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे दोस्तों, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने जलालाबाद कर दिया है क्रॉस। और कई वीडियो में ऐसा हुआ है दोस्तों, जलालाबाद को मैं थाना भवन बोल देता हूँ, थाना भवन को जलालाबाद, मुझे याद ही नहीं रहता है कि मतलब कौन सा शहर क्या है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। देखो सड़क पे झंडे लगा दिए हैं भाई, यहाँ पे कोई ढाबा टाइप का है तो उन्होंने सड़क पे मतलब डिवाइडर पे ही झंडे लगा दिए हैं, सड़क पे तो नहीं लगे, डिवाइडर पे लगे हैं, अच्छा है, बढ़िया लग रहे हैं वैसे। तो दोस्तों, रोड तो बनके तैयार हो चुकी है, देखो डिवाइडर भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पिछले मैं एक महीने पहले आया था, जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, तो डिवाइडर नहीं बने थे, डिवाइडर भी पूरी तरीके से बन चुके हैं, थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में डिवाइडर का काम बचा हुआ है, वो भी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, और लास्ट में ये फिनिशिंग का काम बचा हुआ है दोस्तों इस रोड पर, क्योंकि देखो तारकोन वगैरह तो डल चुका है, लेकिन लास्ट की जो फिनिशिंग होती है वो बाकी है, तो जल्दी कंप्लीट होगा वो काम, क्योंकि सहारनपुर से ननौता के बीच में वो काम चल रहा था, आपने उस वीडियो में देखा भी होगा। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर देखना उस वीडियो को। और देखो राइट, ये मिट्टी का काम भी चल रहा है, क्योंकि साइड में मिट्टी का काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बरसात होगी तो पूरी सड़क को पूरी रोड को उखाड़ देगी। तो दोस्तों, ये फोर लेन हाईवे है आपको पता ही है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ इस वीडियो में, अगर आप कोई इस वीडियो को नया बंदा देख रहा है तो उसको पता रहेगा कि ये कौन सा हाईवे है। ये है नेशनल हाईवे 709B दोस्तों, क्यों जो कि दिल्ली के अक्षरधाम से स्टार्ट होता है और बागपत बड़ौद शामली होते हुए पहुँचता है सहारनपुर तक दोस्तों, सहारनपुर बाईपास तक आता है दोस्तों ये। और देखिए दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं थाना भवन में, ये थाना भवन आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे भी काम तेज़ी से चल रहा है, ये देख सकते हैं पुलिया निर्माण का काम बचा हुआ है, और फिर यहाँ पे तो अभी नाला बन रहे हैं दोस्तों, थाना भवन में नाले का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, और उसके बाद फिर नाला बनना भी वैसे ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम नहीं रहेगा सड़क के दोनों तरफ तो फिर सड़क जल्दी टूट जाती है, ऐसा चांस वहाँ पर हुआ है बागपत में, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, वहाँ पे बरसात का पानी भरता है और वो टूटने स्टार्ट हो गई सड़क वहाँ से, तो लेकिन अब वो नाला कंप्लीट कर रहे हैं वो वहाँ पे,
तो ये अच्छी बात है क्योंकि ध्यान दिया सड़क बनाने वालों ने इस ओर की नाला बनना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पे काम चल रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी डिवाइडर का काम बाकी है, डिवाइडर का काम जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर फिनिशिंग का काम रह जाता है दोस्तों, पेंटिंग वगैरह मार्किंग वगैरह का काम रह जाता है, बाकी तो सब काम कंप्लीट हो ही जाता है जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि यही काम बाकी रहता है जो मिट्टी का काम होता है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि हम पहुंच चुके हैं थाना भवन में। तो दोस्तों थाना भवन तक की रहने वाली वीडियो है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि 7-8 मिनट की वीडियो लेके आए करो, ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, तो ऐसा बोलते हैं, मतलब कमेंट आए हैं एक दो, इसलिए मुझे लग रहा है कि 7-8 मिनट की वीडियो हो जाएगी, काफ़ी है। तो और शहर भी दोनों कंप्लीट हो गए हैं, जलालाबाद भी और थाना भवन भी, कुछ मिसिंग नहीं रहा है, बीच में कुछ ऐसा छूटा नहीं है कि जो दिखा नहीं पाया मैं। और देखो थाना भवन में भाई साहब तालाब खोदे हुए हैं इन लोगों ने, बाप रे भाई कितनी हालत ख़राब है इस रोड पे, बरसात हो जाए ना अभी अगर एक बारिश हो जाए तो यहाँ पे कीचड़ मतलब तालाब बन जाएगा, मच्छी पालन हो जाएगा यहाँ पे, इतना बुरा हाल है। तो देखो चलो खैर जल्दी काम कंप्लीट हो, ननौता में बहुत बुरा हाल है, और उसके बाद फिर जलाला में उससे भी बुरा हाल है, और जलालाबाद के बाद फिर यहाँ पे थाना भवन में उससे भी बुरा हाल है। तो भाई जल्दी से कंप्लीट करो भाई, अगर कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो भाई जल्दी से काम कंप्लीट कराओ, इस रोड की बहुत ज़्यादा मांग है कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, सब लोग आंखें गड़ाई बैठे हैं कि कब ये रोड कंप्लीट होगा, कब ये हाईवे पूरा बन के तैयार होगा, और कब हम इस पे गाड़ी चलाएंगे या फिर इस रेत जाएंगे। तो देखो भाई यार जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करो, पार्किंग बना रखी है यार यहाँ पे, तो काम चल ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि देखो ये पार्किंग में खड़े हुए हैं सब ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पे ऐसे ही, तो लग रहा है कि काम कंप्लीट मतलब काम चल ही नहीं रहा है, ये देखो पार्किंग में लगे हुए हैं सब ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पे अपना काम कराने आए होंगे। और सर्दियाँ आ गई हैं दोस्तों, किसानों के शुगर मिल चल चुके हैं, तो अब रोड पे बस यही दिखेंगे बुग्गी में गन्ने ट्राली में गन्ने, तो इसकी वजह से भी ट्रैफिक बढ़िया रहता है। तो चलिए मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।